अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं तेरी परछाई हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ऐसा उसने तब कहा जब सिद्धार्थ के साथ बच्चों को लेने वो मुंबई गई थी। मेरे समधी रमाकांत जी के सामने उसने ये कहा। और सिद्धार्थ भी यही चाहता है। आपकी हैरानी में समझ सकता हूँ। मैं भी शक पका गया था जब मुझे ये पता चला। अगर मुझे गलत ना समझे तो एक बात कहना चाहूँगा। आंचल बहुत अच्छी लड़की है। इतनी अच्छी कि जिस घर में वो बहू बन के जाएगी, बड़े किस्मत वाला होगा वो घर। पहले पहले मैंने भी यही सोचा था कि सिद्धार्थ और आंचल की शादी हो जाए तो खुद को धन्य समझूंगा। आंचल जैसी मां सिद्धार्थ के बच्चों को नहीं मिल सकती। लेकिन मैं स्वार्थी बनना नहीं चाहता था। हमारे परिवार के लिए आंचल तो बहुत अच्छी है, लेकिन आंचल के लिए हमारा परिवार अच्छा नहीं है। आप उसे समझाइएगा कि सिद्धार्थ के साथ शादी करने का फैसला करके वो अपने आप से अन्याय न करे। सारे आंसर्स लिख लिए ना ठीक से? गुड। अभी तो टाइम हो गया है, ऐसा करते हैं मैं नोटबुक घर ले जाती हूँ, कल चेक करके ले आऊंगी। ओके, ठीक है। हो गई बच्चों की पढ़ाई? जी, आज के लिए तो हो ही गई। बाय टीचर। बाय। धीरज जी, आयुष कल से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। किसी बात को लेकर बहुत नाराज है वो शायद। पढ़ाई भी अकेले कर रहा था टेरेस पर और अच्छा, मैं पता लगाता हूँ बात क्या है। वो सिद्धार्थ जी वापस आ गए। नहीं तो क्यों? उन्हें थैंक यू कहना था। किस लिए? वो खुद ही आपको बता देंगे। चलिए मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आंचल जैसी भांजी मिली है आपको बेटी के रूप में। लेकिन उसे समझाइएगा कि शादी के अपने फैसले पे वो दोबारा सोचे। आंचल बेटी पे गुस्सा मत कीजिएगा। नमस्ते। नमस्कार जी। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इतना दिल पे मत लो इस बात को शोभा। दिल पे ना लो? क्या कह रहे हैं आप? आंचल हमें बिना बताए
सिद्धार्थ से शादी करने जा रही है और आप कह रहे कि दिल पे नहीं लूं। शोभा, जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना समझदारी नहीं है। हो सकता है जो उसने कहा हो उसके पीछे कोई कारण रहा हो सकता है कि ये सच ही ना हो। भाई मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब तक आंचल वापस नहीं आ जाती, हम उससे मिल नहीं लेते, सच नहीं जान लेते, तब तक ये परेशानी बेकार है। मेरे डिग्री सर्टिफिकेट्स, तो तुमने डिग्री हासिल कर ली, इसका मतलब तुम शादी के काबिल हो गए। महीने में कितना कमा लेते हो? पापा अभी मैंने तुमसे नहीं पूछा। फिलहाल तो कुछ नहीं कमा रहा, लेकिन जैसे ही फैक्ट्री शुरू हो जाएगी इतना तो जरूर कमा लूंगा कि आपकी बेटी को खुश रख सकूं। तो मेरी बेटी का हाथ भी तभी मांगने आती जब उसे खुश रखने के काबिल बन जाती। जल्दबाजी किस बात की? बड़े सपने देखने से इंसान बड़ा नहीं बन जाता। तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। तुम जैसे लोग अमीर घर की लड़कियों को प्यार के नाम पर बहकाते हैं, फुसलाते हैं, अपनी औकात से बड़ा हाथ पाने की कोशिश करते हैं। तुम जैसे लोग अपनी औकात से बड़ा हाथ पाने की कोशिश करते हैं। तुम जैसे लोग, तुम्हारी हैसियत क्या है मेरी बेटी का हाथ मांगने की? अरे तुम अपने पतलून के पैसे भी अपने बाप से मांगते हो। मेरी बेटी का सहारा लेकर मेरे सर पर अय्याशी करना चाहते हो तुम? मेरी बेटी का सहारा लेकर मेरे सर पर अय्याशी करना चाहते हो तुम? धोखेबाज, मकार! पापा, हम शादी करने वाले हैं। सिद्धार्थ को ये सब कहने का आपको कोई हक नहीं। क्योंकि हम शादी करने वाले हैं। आप इतने इल्जाम नहीं लगा सकते सिद्धार्थ जी पर। सिद्धार्थ को ये सब कहने का आपको कोई हक नहीं। सिद्धार्थ को ये सब कहने का आपको कोई हक नहीं। क्योंकि हम शादी करने वाले हैं। हाय मामा जी, हाय मामी जी। अरे आपके चेहरे पर तो अभी भी वही पुराना परेशानी वाला एपिसोड चल रहा है। अब तो सिद्धार्थ जी ने आपकी लोमड़ाई प्रॉब्लम दूर कर दी है ना, तो फिर जानती हो उन्होंने ये सब क्यों किया आंचल? हाँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। दूसरों के दर्द को समझते हैं, महसूस करते हैं। इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है? इसके अलावा क्या कारण हो सकता है? तुम्हारी और सिद्धार्थ जी की शादी। चुप क्यों हो?
क्या ये सच नहीं? बोलो आंचल। क्या ये सच नहीं कि तुम सिद्धार्थ से शादी कर रही हो? क्या ये सच नहीं कि तुम सिद्धार्थ से शादी कर रही हो? बताओ आंचल, सिद्धार्थ से तुम्हारी शादी की बात सच है या नहीं? जी हाँ, ये बात सच है, नहीं माँ, वो समझते हैं दैट आई एम अ फूल। बिकने दो उनका, नीलाम होने दो उनका मकान, पर मैं बैंक लोन नहीं ला सकता। और वो आंचल मुझे इग्नोर करके तीन तीन बच्चों के बाप के पीछे भाग रही है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।